झारखंड के गिरिडीह जिले से आ रही है बड़ी खबर। पीरता थाना इलाके के पिपराडांड में शनिवार की सुबह कोहराम मचा। यहां ग्रामीणों ने पीट पीट कर एक व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी। असल में यहां 10 दिन पूर्व हुई एक हत्या से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने 5 हत्या आरोपियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या आरोपियों को भीड़ से बचाकर LMP वाहन में बैठाने लगी, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस वाहन पर हमला बोलकर सरेआम एक हत्या आरोपी सुरेश मरांडी की हत्या मौके पर ही कर दी। बताया जा रहा है कि 3 से 4 जून को पिपराटांड थाना इलाके में बिशनपुर पंचायत अंतर्गत पिपराटांड में 32 वर्षीय युवक हीरालाल किस्कू की हत्या कर दी गई थी। युवक का शव उसके घर से थोड़ी ही दूर स्थित कुसुम्बा नाला के समीप मिला था। इस हत्या के पीछे जमीन विवाद का कारण बताया जा रहा है। इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया था। FIR के बाद से ही नामजद फरार थे। इस बीच हत्यारोपियों द्वारा पीड़ित परिवार को धमकी भी दी जा रही थी। इसी धमकियों से गांव के लोग आकर्षित हो गए और शुक्रवार की रात 5 आरोपी अपने गांव पहुंचे और घर में सोए थे। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शनिवार की अहले सुबह नामजदों के घरों को घेर लिया और उसके घरों में आग लगा दी। हालांकि जिस कमरे में आग लगी वहां पर नामजद नहीं सोए हुए थे। इसी बीच मामले की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने सभी को घर से निकाला और सभी हत्यारोपियों को वाहन पर बिठाने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव के क्रम में पुलिस के जवान भी चोटिल हो गए। बाद में पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग करनी पड़ी। लगभग 10 चक्र हवाई फायरिंग के बाद ग्रामीण पीछे हटे। स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में बलों की तैनाती गांव में कर दी गई है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए DC राहुल कुमार सिन्हा, SP सुरेंद्र कुमार झा मौके पर पहुंच गए और वहां की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही पीड़ित परिवार को ढांढसा बंधाते दिखे। पिपराटांड थाना, ये जो है पिपराटांड थाना क्षेत्र में अवस्थित गांव है और यहाँ पे दो मतलब गुटों के बीच जो आपस में एक ही समुदाय के थे, एक ही गांव के थे, किसी पुराने रंजिश को लेके और कुछ पुराने आपराधिक कांड को लेके एक दूसरे पक्ष पर अटैक कर दिया। मीनवाइल पुलिस की रिस्पांस के द्वारा 8 लोगों को बचा लिया गया है और एक आदमी को जो था वो पीछे से तीर लग गया था और उसके यहाँ पे मृत्यु हो गई है। अभी उसके उपरांत 8 लोगों को सेफ रिस्क्योर करके उन लोगों को सुरक्षित स्थान भेजा जा रहा है और पुलिस के द्वारा गांव में फ्लैग मार्च रोड शो किया जा रहा है। अभी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थिति सामान्य है और इस पर आगे कानूनी कार्रवाई करते हुए जो इस कांड में गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।